चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के 74 साल गुजर गए लेकिन पूर्वी सिंहभूम के पोटका दर्जनों गांव बिना बिजली के ही दिन काट रहे हैं। वहां के लोग ढिबरी युग में जी रहे हैं। एक ऐसा ही गांव है जादूगोड़ा का भाटीन गांव। एक रिपोर्ट। ये बच्चा ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। जादूगोड़ा के इस भाटीन माइंस कॉलोनी में सभी बच्चे ढिबरी की रोशनी में ही पढ़ाई करते हैं। गर्मी के मारे सारे लोग दिन में बाहर बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, जबकि ये इलाका बिजली ग्रिड से मात्र 2000 मीटर की दूरी पर है। 2009 से हम लोग घर बनाया है यहाँ पर। हाँ, 2009 से अभी तक तो कुछ मिला नहीं। क्या क्या नहीं मिला? क्या क्या? पानी भी नहीं मिला है, बिजली भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 2009 से हम लोग घर, ये सड़क बन रहा ना, क्या सड़क भी नहीं बन रहा। मेरा नाम मोहन मुर्मू है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ मुझे लाइन का सुविधा ठीक से नहीं है तो मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। स्कूल में पढ़ता हूँ लेकिन ट्यूशन नहीं हो पाता है। ग्रामीणों ने बिजली मुहैया कराने के लिए जिले से लेकर राज्य स्तर तक को पत्र लिखा है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ आदिवासी कई दिनों से रह रहे हैं, पर आदिवासी मुख्यमंत्री है फिर भी हम लोगों को यहाँ बिजली की कमी है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से आदिवासी के लिए हम लोगों की बिजली की मांग की जाए। क्या क्या दिक्कतों को झेलना पड़ता है? यहाँ पर बच्चे का पढ़ाई का भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आने जाने का भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही हम लोग बहुत से मुश्किलों का सामना करते हैं। बहरहाल देखना यह है कि ग्रामीणों की आवाज़ कब तक सरकारी महकमे तक पहुंचती है और कब तक इस गांव को बिजली मिल पाती है। पोटका से न्यूज 11 भारत के लिए विद्या शर्मा की रिपोर्ट।